friends, my name is CA Manish Chawla and I am going to be a faculty for Audit and Assurance. So, जब हम बात करते हैं ऑडिट एंड इंश्योरेंस की तो ये बहुत ही वाइड टर्म है फॉर मेनी प्रोफेशनल कोर्सेस. जैसे कि अगर हम बात करें सीए कोर्स की तो सीए कोर्स के अंदर ये 100 मार्क्स की है. इसमें आपके इंटर में भी और आपकी फाइनल में भी. अच्छा, और अगर हम सीए में की बात करें तो ये आपके इंटर के अंदर 50 मार्क्स का है. अगर हम बात करें सीएस के अंदर तो ये फाउंडेशन के अंदर 30 मार्क्स का है. देन फर्दर ये एसीसीए में भी है. एसीसीए के अंदर 100 मार्क्स का पेपर. तो यानी कि कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो, ऑडिट एंड एश्योरेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स. व्हाई? क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बहुत है. हर एक प्रोफेशनल कोर्स के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट है. इसके बिना वो कोर्स कंप्लीट हो ही नहीं सकता. अच्छा, तो अब अगर हम स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ कि व्हाट इज ऑडिट एंड व्हाट इज इंश्योरेंस. क्योंकि ये चैप्टर हमारे लिए गया है, ये सिलेबस हमारे लिए गया है. तो जब हम किसी नए सब्जेक्ट या नए सिलेबस को पढ़ते हैं तो पहले हमें उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी जरूरी हो जाती है. सबसे पहले इस ऑडिट वर्ड की अंडरस्टैंडिंग. व्हाट इज ऑडिट? अगर आप डिक्शनरी मीनिंग चेक करोगे तो ऑडिट वर्ड में बेसिक मीनिंग होता है एग्जामिनेशन, यानी किसी चीज को चेक करना. एग्जामिनेशन मतलब टू चेक समथिंग. चेक. अब अगर आपको किसी चीज को चेक करना है तो कैसे चेक करोगे? मान लो देयर इज अ बुक. ये बुक है, मैंने इसमें बोला कि आप ये चेक करो इसमें कोई मिसिंग पेज तो नहीं है. अब मैं अगर आपसे ये बोलूंगा कि इसमें कोई मिसिंग पेज तो नहीं है, ये बताओ, तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सर, अगर इस पेज के अंदर 1000 पेजेस है, इस बुक के अंदर 1000 पेजेस है, तो क्या 1000 के 1000 पेजेस को पलट के चेक करना है या रैंडमली किसी भी 100 पेजेस को चेक करना है? तो मैं अगर बोलूंगा कि 1000 के 1000 पेज चेक करना है तो दैट इज नॉट ऑडिट, दैट इज एन इन्वेस्टिगेशन. ये बंदे ने क्या इन्वेस्टिगेशन कि 1000 के 1000 पेज चेक करना है, कि यानी मुझे पता है गलती हुई है ही है इसके अंदर, तो मैं चेक करता रहूंगा जब तक मुझे गलती मिलती रही है, और अगर गलती नहीं मिलती तो मानूंगा कि हाँ ये बुक में कोई पेज मिसिंग नहीं है. तो ये तो इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि ऑडिट नहीं. हाँ, लेकिन अगर आप 100 पेज चेक करते हो और कहते हो सर क्योंकि 100 पेज में कोई गलती नहीं मिली इसलिए मैं मान रहा हूं कि 1000 में भी नहीं मिली, दैट इज ऑडिट. सो ऑडिट क्या है? हमेशा इसके अंदर टेस्ट चेक होता है. टेस्ट चेक. सो इट्स एन इंपॉर्टेंट वर्ड इन टर्म्स ऑफ ऑडिट. क्या? टेस्ट चेक. जिसे हम सैंपलिंग भी कहते हैं. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सैंपलिंग भी कहते हैं. तो सर, जब भी ऑडिट का नाम लिया जाएगा तो उसको हम किससे रिलेट करेंगे? टेस्ट चेक या सैंपलिंग से. और अगर पूरा की पूरी बुक चेक करनी है यहां पे तो क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन. सो इन दिस सिनेरियो वी कैन सी दिस 1000 पेजेस बुक इज अ पॉपुलेशन. ये पॉपुलेशन है पूरी, और उसमें से अगर मैं पूरी पॉपुलेशन चेक कर रहा हूं तो दैट बिकम्स एन इन्वेस्टिगेशन. और अगर मैं पॉपुलेशन से कम चेक कर रहा हूं, चाहे वो 100 हो, 500 हो, 800 हो, तो वो ऑडिट है. तो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ऑडिट करा कैसे जाता है. अच्छा, हम बात करें एक डेफिनेशन की, जो कि डेफिनेशन देता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग. अब सर, ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग क्या है? देखो, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, किसके लिए होते हैं? वो अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज करने के लिए. कि अगर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड अकाउंटिंग कर रहे हैं तो एक ही ट्रांजेक्शन को दोनों अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड ना करें. वैसे ही स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग होते हैं, जिसे हम एससीए कहते हैं. ये इसलिए बनाए गए कि मान लो एक ऑडिटर ए है और एक ऑडिटर बी है, तो इन दोनों का जो वर्क है, यानी कि ऑडिट वर्क है, वो स्टैंडर्डाइज करने के लिए स्टैंडर्ड बनाए गए हैं. ठीक है, कि अगर ये जिस तरह से काम कर रहा है उसी तरह इसको काम करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि ये अपनी मर्जी से काम कर रहा है और ये अपनी मर्जी से काम कर रहा है.
तो उसके लिए क्या बनाया है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ओके सर, अब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग क्या कहते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में एक ऐसे है 200, इसमें बात करी है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, कि क्या ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का। तो उसमें सबसे पहले बात आती है डेफिनेशन की, किसकी, ऑडिट की। उस डेफिनेशन के अंदर ही उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव लिखा है। तो क्या है वो डेफिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, अभी पहले पूरी डेफिनेशन देख लेते हैं, देन एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, देयर ऑन का मतलब क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो एक एक करके चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो एग्जामिनेशन हम समझ चुके हैं किसी चीज को चेक करना, जैसे बुक में मैंने कहा था चेक करेंगे कोई पेज मिसिंग तो नहीं है, दैट इज आल्सो एन एग्जामिनेशन। बट यहां हम किस एग्जामिनेशन बात कर रहे हैं, सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एग्जामिनेशन की। तो हमारे लिए बीइंग अ प्रोफेशनल ऑडिट क्या है, एग्जामिनेशन तो करना है लेकिन बुक्स का नहीं करना, या फिर किसी फिजिकल चीजों का नहीं करना, हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का करना है। अब सर ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, अब देखो एक ऑडिटर के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो होती है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो और नोट्स टू अकाउंट्स। एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना। ठीक है, सो एज पर सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, हर एक कंपनी को एक ऑडिटर रखना पड़ेगा जो उसका स्टैट्यूटरी ऑडिटर कहलाएगा, और उसको इन चार चीजों को चेक करना पड़ेगा, राइट, यानी कि एग्जामिन करना पड़ेगा। तो देयर इज एग्जामिनेशन ऑफ दीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जो कि सेक्शन 141 के अंदर हर एक कंपनी को रखना है, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है, सबको रखना पड़ेगा हर कंपनी को। अच्छा सर, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो ये हो गई, ओके एग्जामिनेशन हमें समझ में आ गया है, ऑलराइट। अब सर ये इंडिपेंडेंट वर्ड क्यों ऐड करा है, चलो इसको थोड़ा सा इवैल्यूएट करते हैं, व्हाई इंडिपेंडेंस, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये मिस्टर ए था, इसको चाहिए था लोन किससे, आईसीआईसीआई बैंक से। अब क्या मेरे को लोन बिना किसी रिक्वायरमेंट के मिल जाएगा, या फिर बैंक की कुछ कंडीशंस होती है, बैंक की कुछ कंडीशंस होती हैं ऑब्वियसली। क्या कंडीशन है, फॉर एग्जांपल वो क्रेडिट वर्थीनेस देखते हैं उसकी, किसकी क्रेडिट वर्थीनेस देखेगा, मिस्टर ए की, यानी कि कितने चांसेस है कि अगर मैं उसको लोन दे दूं तो मेरे को पैसा वापस देगा। ठीक है, तो ये कैसे देखी जाए क्रेडिट वर्थीनेस, कि भाई उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अब जब हम बात करते हैं वर्ड फाइनेंशियल पोजीशन की, तो इसका मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि उसकी बैलेंस शीट कैसी है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट कैसी है, तो उससे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बैलेंस शीट देनी पड़ेगी। अब मिस्टर ए कहता, मिस्टर ए कहता ठीक है जी, मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं एक बैलेंस शीट बना के बैंक को दे देता हूं। अब एक बात बताओ, मिस्टर ए को तो लोन चाहिए, अगर वो खुद की बैलेंस शीट बना के आईसीआईसी बैंक को दे देगा, तो क्या आईसीआईसी बैंक आंख बंद करके विश्वास कर सकता है मिस्टर ए पे? भाई वो तो अपनी पोजीशन अच्छी बताएगा कि मेरे पास तो बहुत सारी एसेट्स हैं, बहुत सारी लैंड्स हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि उसको तो लोन चाहिए। तो अगर वो खुद ही अपने लोन के लिए खुद की बैलेंस शीट बना के लेके जाएगा, तो क्या उस बैलेंस शीट पे आप रिलायंस प्लेस कर सकते हो, नहीं सर। लेकिन मान लो
अगर मिस्टर ए ने किसी और को बोला, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी को, और मिस्टर बी और मिस्टर ए जो है वो ब्रदर्स हैं, तो मिस्टर बी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मिस्टर ए के बिहाफ पे वो उसकी बैलेंस शीट साइन कर देता है, एंड देन वो बैंक के पास बैलेंस शीट लेके चला जाता है मिस्टर ए जो कि साइन करी है मिस्टर बी ने, तो बैंक को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लेकिन एक बात समझो कि मिस्टर बी उसका भाई है, तो क्या वो अपने भाई की भलाई नहीं चाहेगा भविष्य? क्या मिस्टर ए इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, देख तू मेरा भाई नहीं है, डेली बैलेंस शीट साइन करेगा, मेरी जैसी पोजीशन होगी वैसी दिखाऊंगा मैं, और तो साइन कर दे। अब इस केस में होगा क्या, ये जो बैंक है ना वो समझेगा कि भाई इसने किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से अपनी बैलेंस शीट साइन करवाई है जो कि मिस्टर बी है, और यानी जब इंडिपेंडेंट पर्सन बोल रहा है तो ठीक ही बोल रहा होगा, और ये लोन दे देगा इसको मिस्टर ए को। लेकिन क्योंकि वो पोजीशन जो थी वो गलत दिखाई गई थी, क्यों? क्योंकि वो चाहते थे ए को बस किसी तरह लोन मिल जाए, कल को जब रीपेमेंट की बात आएगी बैंक के पास तो वो लोन उसको रीपे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि असल में फाइनेंशियल पोजीशन उसकी अच्छी नहीं थी, लेकिन क्योंकि एक इंडिपेंडेंट पर्सन ने उसको साइन करके नहीं दिया, ऑडिट करके नहीं दिया, इस वजह से लोन गलत दे दिया गया मिस्टर ए को, जो कि देना ही नहीं था। तो यानी अल्टीमेटली इंडिपेंडेंस का फायदा किसको है? इंडिपेंडेंस का फायदा है इसके यूजर्स को, तो यूजर्स को बेनिफिट होता है इसका इंडिपेंडेंस होने का, क्यों? क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वरना उसको रिलाई करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है सर, तो एग्जाम तो करना है बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स को, लेकिन इंडिपेंडेंट पर्सन को करना पड़ेगा ताकि कोई इन्फ्लुएंस ना रहे, तो रिमेंबर द वर्ड इन्फ्लुएंस, कोई इन्फ्लुएंस ना रहे, बायस ना रहे, यानी कि मिस्टर बी जैसे इस केस में इससे इन्फ्लुएंस हो सकता है अपने भाई से, ऐसा कोई पर्सन ना, ऑडिट करने वाला ऐसा पर्सन हो जो जिसका ऑडिट हो रहा है उससे रिलेटेड ना हो, तो इसलिए इंडिपेंडेंस इज इंपॉर्टेंट। ओके सर, इसके अंदर हमें इंडिपेंडेंस का मतलब समझ आ गया है और एग्जामिनेशन का मतलब समझ आ गया है, एंड देन वी नो व्हाट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर अस बीइंग एन ऑडिटर। अब बात आती है क्या एंटिटी, एंटिटी का मतलब क्या है? देखो एंटिटी का मतलब अगर हम कंपनी एक्ट के मॉडल से बात करें तो वो कंपनी है, ठीक है, वही बात करें एक एंटिटी पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकती है, ठीक है, वही एंटिटी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकती है, एटसेट्रा, बहुत सारी एंटिटीज होती है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है सबके लिए ऑडिट मैंडेटरी, लाइक फॉर कंपनीज इट इज मैंडेटरी कि आप करवाना है, एंड नॉट मैंडेटरी, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इट इज नॉट मैंडेटरी, एओपी के लिए भी इट इज नॉट मैंडेटरी, तो यानी एंटिटी कोई भी हो सकती है लेकिन मैंडेटरी हर किसी के लिए नहीं है ऑडिट करवाना। अब ये डेफिनेशन किसके लिए बनाई गई है? ये डेफिनेशन सबके लिए बनाई गई है, चाहे मैंडेटरी हो ना हो, अगर आप ऑडिट करवा रहे हो तो आपको हमेशा इस डेफिनेशन को फॉलो करके और इन स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग को फॉलो करके ऑडिट करना पड़ेगा। ओके, सो एंटिटी डज नॉट मीन ओनली कंपनी बट इट इंक्लूड्स एवरीबॉडी, राइट, बट हाँ ये बात जरूर है सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, कोई वॉलंटरीली भी ऑडिट करवाना चाहे तो करवा सकता है। तो सर एंटिटी का मतलब भी समझ आ गया। अब लास्ट में जो बचता है वो वर्ड है ओपिनियन, क्या है वर्ड? ओपिनियन। सर ओपिनियन देने का मतलब क्या है? ओपिनियन देने का मतलब है कि जो बैलेंस शीट है, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, ये जो है ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है नहीं दे रहा, ट्रू एंड फेयर व्यू, वर्ड याद रखना ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है? कि जो असल में है उस कंपनी की या फिर किसी भी एंटिटी की हालत इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, यानी वो जितना उसके पास पैसा है, जितना उसको पैसा लेना है लेना है, जितना उसके प्रॉफिट्स है, सब जो है ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें कोई फर्जी एंट्री नहीं है, उसमें कुछ फेकनेस नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो बेसिकली ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। सर ये आपने मेन चीज बता दी, अभी तक तो हम ओपिनियन ही समझ रहे थे, अब आपने फिर इसमें बोल दिया कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री, अब ये क्या चीजें हैं? तो इससे पहले हम इसके ऊपर बात करें, एक रीकैप लेते हैं छोटा सा। ऑडिट क्या है? ऑडिट है एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन किसी चीज को चेक करना, इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर अपने भाई बंधु के थ्रू करवाओगे तो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डाला जा सकता है और वो हो सकता है गलत पिक्चर या गलत ओपिनियन दे सकता है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे लिए? बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, वो हमारे लिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है।
किसी भी एंटिटी का ऑडिट करवाया जा सकता है, जनरली कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, और कुछ लोग वॉलंटरीली भी करवाते हैं। ओके, और एग्जामिनेशन किया भी जा रहा है ओपिनियन देने के लिए, और ओपिनियन का मतलब क्या है, ओपिनियन का मतलब है ट्रू एंड फेयर व्यू। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ओपिनियन की, तो क्या ओपिनियन ऑन बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो एक्सेट्रा, इसके ऊपर जो ओपिनियन देना है वो क्या देना है कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, यानी कि ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अब समझते हैं कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या है। अब यहां पर दो वर्ड्स है, एक है मटीरियल, एक है मिसस्टेटमेंट। देखो मिसस्टेटमेंट का मतलब बहुत आसान सा है, क्या है, गलती, क्या गलती, ठीक है, तो गलती है तो मिसस्टेटमेंट उसको कहा जाएगा। अब मटेरियल वर्ड का क्या यूज है, ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब उससे नहीं होना चाहिए कि मिस स्टेटमेंट नहीं है, मटेरियल वर्ड क्यों आया। देखो हमें एक एग्जांपल लिया था बुक वाला, अब उस बुक के एग्जांपल के अंदर हमने बोला कि भाई टोटल 1000 पेजेस थे, लेकिन हम जो चेक करेंगे वो कितने करेंगे, सिर्फ 100 पेजेस, सिर्फ 100 पेजेस चेक करें, और उस 100 पेजेस को चेक करके मैंने बोल दिया मेरा मानना यह है, क्योंकि 100 में कोई गलती नहीं है, 1000 पेजेस में भी गलती नहीं होगी। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम तो टेस्ट चेक कर रहे हैं, सैंपल कर रहे हैं, तो यहां पे हम अगर वर्ड हटा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां कहते हैं फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट, भाई जब सारा का सारा चेक ही नहीं करा, 1000 पेज चेक ही नहीं करे, तो कैसे बोलूं 1000 पेज में गलती नहीं है। मैं बोलूंगा हाँ मटीरियली अगर हम बात करें, मोटा मोटी बात करें, तो गलती नहीं है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, मटीरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है, ना कि मिसस्टेटमेंट से फ्री है। अच्छा सर मटीरियल वर्ड ये भी समझ आता है, तो सर बैलेंस शीट के अंदर हम कहते हैं मटीरियल मिसस्टेटमेंट, बुक का एग्जाम्पल तो मैं समझ आ गया। बैलेंस शीट के अंदर फॉर एग्जाम्पल टोटल आपकी एसेट्स आ रही है कितने की, 1000 करोड़ की, लाइबिलिटीज आ रही है फॉर एग्जाम्पल 800 करोड़ की, इक्विटी आ रही है आपकी 200 करोड़ की, ठीक है। साथ में अगर मैं पीएनएल की बात करूं, वहां पे आ रहा है फॉर एग्जाम्पल आपके रेवेन्यू आ रहा है 1000 करोड़ का, एक्सपेंसिस आ रहे हैं आपके 800 करोड़ के, 900 करोड़ के, और जो प्रॉफिट है वो आ रहा है 100 करोड़ का। ये सब चीजों का मुझे ऑडिट करना है, राइट। अब मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, एक पहले बताना पड़ेगा मेरे लिए मटेरियल क्या है, ठीक है, जो चीज मटेरियल होगी मैं सिर्फ उसका ऑडिट करूंगा, और जो चीज मटेरियल नहीं होगी उसका ऑडिट नहीं करूंगा। सो फॉर एग्जांपल इस 900 करोड़ के एक्सपेंस के अंदर एक छोटा सा एक्सपेंस आ रहा है किसका, ट्रैवल का, जो है सिर्फ 1 लाख का। अब सर 1000 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी के लिए क्या 1 लाख रुपए के ट्रैवल एक्सपेंसेस का ऑडिट करना जरूरी है, नहीं जरूरी तो नहीं है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा, तो मैं सिर्फ मटेरियल चीजों को ऑडिट करूंगा, तो इस 1 लाख का खर्चा मैंने छोड़ दिया। तो बेसिकली हमने क्या कहा, सिर्फ मटेरियल चीजों का ऑडिट करेंगे, छोटे छोटे खर्चे 1-1 लाख के नहीं करेंगे, और उन बाकी मटेरियल चीजों का ऑडिट करके बताएंगे उनमें गलती है, तो इसलिए हम बोलते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो अगर मटेरियल चीजों में गलती नहीं है तो ट्रू एंड फेयर व्यू है, क्योंकि मैं 100% नहीं कर सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 100% कर सकूं। अच्छा सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी समझ आ गया। अब चलते हैं वर्ड एश्योरेंस के ऊपर, कि ऑडिट और एश्योरेंस से क्या मतलब है। देखो ऑडिट करने का मतलब है किसी चीज को चेक करना, अब चेक करने का सेकंड स्टेप क्या होता है, एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब होता है टू गिव कॉन्फिडेंस, किसी को कॉन्फिडेंस दिलाना। अब कॉन्फिडेंस दिलाना है, क्या कॉन्फिडेंस दिलाना है, कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू है। ऑडिट क्यों करा जा रहा है, जो उसके यूजर है, जैसे हमारे एग्जांपल के अंदर जो आईसीआईसीआई बैंक था उसको कॉन्फिडेंस दिलाना है क्या, कि जो बैलेंस शीट मिस्टर ए की थी वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। अब कॉन्फिडेंस क्या हो सकता है, 100% कॉन्फिडेंस दिला सकता हूं, सर आपने तो बोला 100% जब चेक नहीं कर रहा तो 100% कॉन्फिडेंस कैसे दिला सकता हूं, तो बिल्कुल ठीक बात है, 100% कॉन्फिडेंस आप नहीं दिला सकते, ठीक है, आप हमेशा लेस देन 100% कॉन्फिडेंस दिलाओगे, लेस देन 100% कॉन्फिडेंस। तो अब जब हम कॉन्फिडेंस की यानी कि अश्योरेंस की बात करते हैं, तो 100% कॉन्फिडेंस को हम जनरली बोलते हैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस, यानी एब्सोल्युटली श्योर कोई गलती नहीं है, तो ये हम ऑडिट के अंदर बात नहीं करते। वही जब लेस देन 100% की बात करते हैं वो कहते हैं रीजनेबल अश्योरेंस, मोटा मोटी बात करते हैं कि कोई गलती नहीं है, कौन सी गलती, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। तो अब इसके अंदर हम क्या कहते हैं, एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, क्या है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, कि रीजनेबल अश्योरेंस,
रीजनेबल एश्योरेंस को ऑब्टेन करना है, किस लिए कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो फ्री है, इससे फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। तो यहां हम क्या बात करेंगे, फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। सो अल्टीमेटली हमने क्या बात करी, ऑडिट करना है, एग्जामिनेशन करना है, इंडिपेंडेंस के साथ करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, ताकि हम ओपिनियन दे सके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही। ट्रू एंड फेयर व्यू की बात करके, ट्रू एंड फेयर व्यू आएगा ही तभी जब मटीरियल गलती नहीं होगी। मटीरियल वर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 100% ऑडिट नहीं करते, तो 100% ऑडिट करते तो मटीरियल वर्ड होता है, तो फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट बोल देते। तो इसी तरह क्या बोला, फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अच्छा, अब अश्योरेंस वर्ड की बात करिए, तो अश्योरेंस कहें किसी को दिलासा यानी कॉन्फिडेंस देना। तो क्या कॉन्फिडेंस देना चाह रहे हैं हम, कि गलती नहीं है, कॉन्फिडेंस के 100% दे सकते हैं नहीं, तो यानी कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते, 100% हम आपको दिलासा नहीं दिला सकते कि सब ठीक है, हम लेस देन 100% देंगे, इसको हम रीजनेबल बोलेंगे हम, क्योंकि टेस्ट चेक पे चेक करेंगे, यानी सैंपल चेक करेंगे, 1000 पेज की अगर बुक है हम सिर्फ 100 पेज चेक करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अगर बड़ी बड़ी चीजें हैं उनका ऑडिट करेंगे, छोटी छोटी चीजें छोड़ देंगे। तो इसलिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या बनता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देना, ठीक है। सो दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूरा कैसे होगा ओपिनियन देने वाला, जब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, जब मैं रीजनेबल अश्योरेंस ले लूंगा, यानी इस बात को रीजनेबली सैंपलिंग करके चेक करके पता चल जाएगा कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो मैं प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर लूंगा। ओके सर, अब सर ओपिनियन देंगे कैसे, ओपिनियन दिया जाएगा एक रिपोर्ट के थ्रू, ओपिनियन देना कैसे है, थ्रू वन रिपोर्ट। और रिपोर्ट कैसे होगी, रिटन रिपोर्ट होगी, यानी रिपोर्ट में लिखा जाएगा कि एबीसी लिमिटेड के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं, तो रिपोर्ट के अंदर साफ साफ लिखना पड़ेगा। अच्छा, और रिपोर्ट बनाई कैसे जाएगी, रिपोर्ट की फॉर्मेट देते हैं स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, ऐसे 700 की सीरीज है उसमें दिया जाता है। सीरीज की बात हम करते हैं, तो 700 सीरीज का मतलब यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड है, 705, 706। कोई उसका लीगल स्टेटस हो, कोई भी प्रॉफिट कमाती हो ना कमाती हो, किसी का भी हो सकता है। हाँ, उसके लिए मैंडेटरी है जैसे कंपनी, बाकी के लिए मैंडेटरी नहीं है। अब इतना सारा काम करके रहा हूं, भी बताना है फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है नहीं, ताकि उसके यूजर, जैसे हमारे केस में यूजर कौन था, ICICI बैंक, वो कोई एक्शन ले, इससे पहले उसको पता हो कि पोजीशन ठीक है या नहीं है एक पर्टिकुलर पर्सन की या फिर ट्रू एंड फेयर व्यू देना है मुझे उसके ऊपर ओपिनियन। और उसके ओपिनियन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। काम 100% नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ऑडिट जो है 100% अगर करने जाऊंगा तो कभी खतरा नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा। इसलिए हमेशा मैं क्या करूंगा, सैंपलिंग करने की वजह से हमेशा बात करेंगे फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट रादर की फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट। अश्योरेंस का मतलब क्या बात करी हमने, अश्योरेंस का मतलब कॉन्फिडेंस। तो ऑडिट करने के बाद जो कॉन्फिडेंस मुझे मिलेगा और जो मैं दूसरे को दे सकता हूँ, दैट विल ऑलवेज बी रीजनेबल अश्योरेंस, यानी कि एक हद तक मैं अश्योर कर सकता हूँ, कोई गलती नहीं है, 100% अश्योरेंस नहीं दे सकता, क्योंकि 100% हमने काम भी नहीं करा है। एट द एंड सारा काम करने के बाद हमें क्या करना है, एक ओपिनियन देना है और एक रिटन रिपोर्ट के थ्रू उस ओपिनियन को देंगे, जो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 700 की सीरीज है, ऐसे 700, 705 और 706 मेजर स्टैंडर्ड्स हैं जो इसके अंदर कवर करे जाते हैं। इसके अलावा कुछ और सपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं जो थोड़ी बहुत गाइडेंस भी देते हैं। तो हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इतना ही, हम जब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम समझेंगे ऑडिट करने के ओवरऑल अप्रोच क्या रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।